अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो मैंने सोचा चलो नए मोबाइल पे वीडियो बना के देखते हैं कैसी बनती है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी वीडियो बनी है। तो मैंने कहा चलो बैठ के बातें करके थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ बातें करते हैं न्यू फोन में। जी हाँ, तो ये पीछे का व्यू देखें हमारा कितना प्यारा आ रहा है। लोगों के घर आ रहे हैं, ये देखें व्यू कैसा प्यारा आ रहा है। नीचे नाला भी आ रहा है, नीचे नाला भी आ रहा है। ये शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब हो रही है, तो बच्चों का शोर भी आ रहा होगा, गली में बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से चले बातचीत कर लेते हैं और वीडियो का रिजल्ट भी आप लोगों से पूछ लेती हूँ मैं कि कैसा आया है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा मतलब इसका रिजल्ट है। तो कोई खामी हो तो बेटा आप अम्मी साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करते हैं। आप इधर आ जाओ। हाँ, तो अभी आप देखें हमने साइड चेंज कर ली है क्योंकि अम्मी उधर बैठी हुई थी। तो मैंने आज जो अपना नॉन स्टॉप यूँ रखा था तो मेरे एल्बो में जो है वो पेन होना शुरू हो गई थी। तो अम्मी को मैंने बोला इस तरफ आ जाओ, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अम्मी ने मेरे को ये फ़ोन गिफ्ट किया है। तो अम्मी मेरे नॉलेज में भी नहीं था, मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था कि अम्मी जाती है, नॉर्मली मार्केट जाती है अम्मी, तो अम्मी मेरे को कहती है चलो डोना चलें बाज़ार चलें, मैं अम्मी और लेवी जाते हैं। तो आज अम्मी मार्केट गई तो मैंने अम्मी से पूछा अम्मी चलूं, तो अम्मी ने मेरे को बोला नहीं घर पे रहो आप, मैं और रिदा चले गए थे, आप घर पे रहो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा किधर जा रहे हो? अम्मी ने बोला हम जा रहे हैं इधर अपने किसी दोस्त के घर पे जा रही हूँ मैं। पानी दे दो एक गिलास। आप क्या करोगे वहाँ जाके? आप बाहर बैठे रहोगे, तो आप ऐसा करो आप घर पे रहो। तो मैं घर पे रुक गया, तो मेरे को नहीं था पता अम्मी ने मेरे को सरप्राइज़ देना है, तो इसलिए अम्मी अकेली जा रही हैं। तो जब अम्मी वापस आई थी घर पे, तो मैं कल अम्मी एक डेढ़ घंटे के बाद आए थे ना? हाँ, एक डेढ़ घंटे के बाद ही आ गए थे। घर का थोड़ा सा सौदा लेना था, घर का सामान लेना था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद पे मसाले ये सारे महंगे हो जाते हैं। तो अभी थोड़े लेके आई हूँ, थोड़े फिर जाऊँगी लेके आऊँगी, बकरा ईद के करीब लेके आऊँगी। तो फिर क्योंकि जाहिर है गोश्त खाना है गोश्त खाना है, तो फिर जाहिर है मसाले तो घर पे रखने पड़ेंगे ना। तो इस वजह से अभी फिर जाऊँगी मार्केट, एक दो दिन में जाऊँगी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और अभी और ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ अम्मी ने मेरे को लेके दिया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं वीडियो बनाऊँ अच्छी अच्छी और आप लोगों के साथ हम शेयर करें। क्योंकि अम्मी को नहीं, मैं ही अम्मी को बोलता था अम्मी फ़ोन चेंज करते हैं, अम्मी फ़ोन चेंज करते हैं। और काफ़ी कमेंट भी आते थे, तो वो भी मतलब बोलते थे। तो बेटा मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं ले सकती थी, तो अभी मुझे खुदावंद ने तौफीक दी तो मैंने ले लिया। और मेरा काम भी ये है, जाहिर है अब मैं एक काम शुरू किया है तो उसके लिए अच्छी मतलब आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो शौक से देखोगे, मतलब और भी शौक से देखेंगे आप लोग के, जैसे अभी पहले देखते थे अभी और भी शौक से देखेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब मैंने फ़ोन चेंज कर लिया, अभी कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी आप लोगों का साथ रहा मेरे साथ और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे, तो मेरे खुदावंद ने चाहा तो वो भी मैं चीज़ें ला के रखूँगी और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। कोशिश मेरी यही है आप लोगों के लिए, मेहनत करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी, बाहर के मतलब बाहर की भी सारी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। कहीं जाऊँ अब तो कहीं जाती नहीं हूँ मैं, और जाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। जाएंगे पर तब जाएंगे जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अम्मी बीपी की पेशेंट है, आपको पता है अम्मी ज़्यादा गर्मी में घूमे तो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हम खुद अम्मी को नहीं ज़्यादा निकलने देते। क्योंकि घर की चीज़ें भी लानी हो तो रोज़ की रूटीन में डोनल ले आता है सब्ज़ी, और वैसे जाना हो तो मतलब मेरी बहुएँ होती हैं साथ में तो हम लोग जाते हैं, जाना हो तो हम लोग सब जाते हैं मतलब बाज़ार में, तो फिर लेके आते हैं। तो अभी मेरी कोशिश वैसे नॉर्मली मैं ही जाता हूं। अब मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों के लिए मुझे जाना है बाहर और विज़िट करना है, और मुझे आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देनी है। क्योंकि आप लोग मुझे जितना प्यार करते हो, जितने अच्छे कमेंट करते हो, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे अच्छी अच्छी, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ प्यार हमें करते आपकी रहना, सपोर्ट और आपके साथ की ज़रूरत और है। मेरा वॉच टाइम बहुत कम रह गया, बहुत कम रह गया है, तो आप लोगों के प्यार से आप लोगों के साथ से वो भी पूरा हो जाएगा।
तो जब मतलब मेरा वॉश टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं समझे खुश हो जाऊंगी तो फिर मैं खुद ही बाहर निकला करूंगी। मैं तो अब मेरा वॉश टाइम पूरा हो गया है तो अब मैं मतलब वीडियो अच्छी अच्छी बना के डालूं। एक होता है ना हौसला अफजाई मिलती जी है। जी हाँ मेरा मतलब हौसला बढ़ेगा। आपके कमेंट पढ़ के हम इतने खुश होते हैं कि मींस के हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारे को चाहने वाले हमारे को देखने वाले बहुत से लोग हैं। कोई ये ना समझे कि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रही हूँ, पानी पीने पी रही हूँ, जिसने पीना है वो आ जाए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती, मुझे अच्छी नहीं लगती वो, तो मैं नहीं पीती। पानी है, पानी मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, पानी पी रही हूँ मैं। तो हमारी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियोस आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो फुल वॉच किया करें बिना कहीं पर स्किप किए, ताकि हमारा वॉश टाइम पूरा हो जाए। और मुझे लग रहा है कि मेरा वॉश टाइम इसी हफ्ते में और आपके साथ से, आपके प्यार से और आपकी दुआओं से इसी हफ्ते में मेरा वॉश टाइम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और किसी का कोई नहीं, सिर्फ आप लोगों के प्यार से, क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियो को लाइक करते हो और मुझे इतने इतने अच्छे कमेंट करते हो, मैं उन बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ और उनके लिए भी जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि वो भी मेरी वीडियो देखें। हाँ मैं वो भी दुआ करती हूँ, क्योंकि दुआ मैं डेली करती हूँ तो खुदावंद मेरा सुनेगा और ज़रूर होगा मेरा मतलब वॉश टाइम आपकी दुआओं से और आपके साथ से पूरा मेरा ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे ही मुझे आगे तक लेके जाएंगे, मेरी उम्मीदें आप लोगों पे हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी और आप लोगों से पूछना था कि आप लोग इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताना। और कल मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, कल तक मुझे दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।